और वहीं मुरादाबाद में राम गंगा की हालत लगातार बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि पूरे शहर का गंदा पानी राम गंगा में जाकर गिरता है। इससे एक तो राम गंगा मैली हो रही है, साथ ही प्रदूषित भी होती जा रही है। राम गंगा की सफाई के लिए बाबा रामदास ने भी कई बार अनशन आंदोलन किया, लेकिन इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अधिकारियों से इस बारे में जब बात की जाती है तो वो बात को टालते हुए नजर आते हैं। जैसे धामपुर के शुगर मिल है, सिवान शुगर मिल है, अगवानपुर पेपर मिल है, अगवानपुर में शुगर मिल है, दूध फैक्ट्री है, मुरादाबाद के अंदर जितने भी पीतल का कार्य होता है, ये सब नालों के माध्यम से रंग फैक्ट्री जो कि बहुत ही ज्यादा केमिकल फैक्ट्री है, रंग फैक्ट्री जिसके कारण ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, ये सब चीजें रामगंगा नालों के माध्यम से रामगंगा के अंदर आ रही हैं।